I am going to discuss some case study problems. Like you can see, this is the question from equable shapes. यहाँ पे कुछ से ये देखें कि equable shapes क्या होता है. जैसे आपको पता होगा, आपकी जो क्लास का जो चार केस स्टडी प्रॉब्लम्स रहेंगे, ये न्यू पैटर्न का है. क्वेश्चन नंबर 17 पे जो मार्क्स है, आपका पांच क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार मार्क्स है. क्वेश्चन नंबर 18 में पांच क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी चार मार्क्स का आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 19 में पांच क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार क्वेश्चन का जवाब देना है, चार मार्क्स है, और इसमें भी चार मार्क्स है. सो उसी टॉपिक से हम एक यहाँ पे एक टॉपिक निकाले हुए हैं, इक्विबल शेप्स. देखें पहले इक्विबल शेप्स क्या होता है. एन इक्विबल शेप हैज अ शेप दैट हैज द सेम न्यूमेरिकल पैरामीटर, जिसकी पैरामीटर इक्वल होगा और एरिया दोनों का इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विबल शेप्स कहेंगे. तो एक हम लोग के पास यहाँ एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, और ये दिया हुआ आपका पी क्यू आर एस. तो हम लोग को ये देखना है कि ये जो है क्या इक्विबल शेप्स है, कौन कौन से इक्विबल शेप्स है, वो देखेंगे हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये रेक्टेंगल है. ये क्या है, रेक्टेंगल है. ये ट्रायंगल है. ये क्या है, ट्रायंगल है. इसकी लेंथ जो है, लेंथ कितनी दी हुई है, 4.5 सेंटीमीटर. यू कैन राइट हियर 7 सेंटीमीटर. एंड ब्रेथ इज आल्सो मेंशन, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय यूजिंग द फॉर्मूला, दैट इज एन इंटू बी. सो वी कैन राइट हियर 4.5 इंटू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. If you will multiply 45 into 36, I think 6 5 is 36, 4 is 27, and here 3 5 is 15, 3 4 is 13, 0, 12, 6 and 1. Means we can write here 1, 6, 2, 0, means here 1 means 16.20 centimeter square. That will be the area of rectangles, okay. So now perimeter of rectangles is, now perimeter of rectangles, perimeter of rectangles we can find with the help of this formula, 2 into L plus B. We can, you can see the value of L is already mentioned, 4.5, and B that is 3.6 centimeter. And if we will add 6, 5, 11, and 4, 3, 7, and 1, 8, and after that we will multiply 16.2. So we will get here 16.2. So you can see parameter of rectangle. You can see parameter of rectangle. Rectangle that is 16.2, and area of rectangle that is also 16.2. So we can write here area of rectangle. So we can say ABC is A, B, C, D. इज एन इक्विबल शेप. ओके, ए बी सी डी इज एन इक्विबल शेप. इक्विबल शेप, ओके. एंड नाउ यू कैन सी सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम ट्रायंगल. आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग को भी चेक करना है कि ये इक्विबल शेप है कि नहीं है. जैसे यहाँ पे इसका एरिया निकाले हुए हैं और पैरामीटर निकाले, दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया. यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसका एरिया और एरिया क्या इक्वल होगा और पैरामीटर क्या इक्वल होगा. ठीक है, इफ तो अगर दोनों इक्वल हो जाए, मीन्स एरिया एंड पैरामीटर, देन वी विल कॉल गिवन फिगर इज इक्वल, अदरवाइज नॉट. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या इक्वल शेप है कि नहीं है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं. यस, नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन फाइंड लाइक दिस वे. इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम पी एम क्यू, पी एम क्यू. सो वी कैन, वी नो दैट द पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर. ओके, सो द वैल्यू ऑफ पी एम, द वैल्यू ऑफ पी एम इज 4 का स्क्वायर, इन द वैल्यू ऑफ क्यू एम इज 3 का स्क्वायर. So PQ square equals to 16 plus 9, that is PQ equals to 25, means 5 centimeter. And in triangle PMR, we can also apply the Pythagoras theorem, like PR square equals to PM square plus MR square. And PM, the value of PM is what?
4 का स्क्वायर and the value of MR that is also 3 का स्क्वायर. So we can write here that PR square equals to 4 is 16 plus 9, that is 25. So PR equals to root under 25 means it will 5 centimeter. So now we can write here PQ equals to what? VQ equals to 5 centimeters and QR equals to 3 plus 3, that is 6 centimeters. So we can find parameter of triangle that is PQ plus QR plus PR. Okay, so PQ, that is the PQ means we have PQ 5 centimeter and QR 6 and PM PR is 5. So 5 10 and 6 means 16 centimeter. And the area of triangle that is 1 by 2 base into height, and base each already mentioned QR and height is PM. So we can write here 1 by 2 into 6 into 4. So 2 2s are 4 and 6 2s are 12 centimeter square. You can see a parameter and area are both are different, that's why we can say PQR is not parameter of triangle is not equal to area of triangle. Okay, so यहाँ पे दोनों का अलग अलग आया तो ये आपका equal safe नहीं होगा. एक और question हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. And breadth is x. Okay, this is the rectangle and this is rectangle and in question that is mentioned what? This is equable shape. Okay, this is equable shape. That is mentioned in question. So that's why we can write here area. This is ABCD. ABCD is equable shape. Equable shape. That's why we can write. Area of rectangle. Area of rectangle. Equals to perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle and area of rectangle, you can see here area of rectangle is what? 2 in length into breadth, so 10 into x, that is 10x, and perimeter of rectangle twice the l plus b. So here is 10x and here is 2 and l is what? 10 and b is x. So it will 5x and implies that here is 10x plus x. Okay, so 5x minus x equal to 10. So 5x minus x means 4x equal to 10. So x equal to 10 by 4. That is 5 by 2. It means we can write here 2.5 centimeter. That will be the value of breadth of rectangle. Okay, for and you will have to check this is whether it is equal safe or not. Okay, so here is the 10 centimeter. Here is the 10 centimeter. You will have to check whether it ABCD is equal safe or not. Next, this is the rectangle. This is a rectangle and here is 4.5 and here is 3.6 centimeter. Okay, so you will have to check whether it is equal safe or not. Next is this is a triangle, 8 centimeter, 8 centimeter, 8 centimeter. That is the equilateral triangle. You have to check whether it is equal or not. Okay, next one is this ABCD. Okay, ABC, and here is the 6 centimeter, and here is 7 centimeter. Here is 9 centimeter. Okay, you will have to check this is equal or not. Next is. Here is A, B, C, and here is 8, and 8 centimeter, and here is 10. Okay, so you will have to check whether it is equal or not. Next question, that is based on equal shape, means yahan pe equal shape mention kiya hua hai. Here is X and here is 20. Okay, so you will have to check whether it is what is the value of X. Okay, yahan pe aapko kya karna hai, X ka value nikalna hai. ये आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये क्यूबल सेफ का दिया हुआ है. ठीक है,
नेक्स्ट ये आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी साइड जो है कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। आपको ये एक्स का ये आपको सॉरी ये आपको हम ट्रायंगल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रायंगल दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको ये 5 सेंटीमीटर दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक्स दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ये इक्वल शेप दोनों में दिया हुआ है, इक्वल शेप आपको फाइंड करना है कि इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका एक्स का वैल्यू।